हाँ तो दोस्तों, आज हम गए थे मैराथन में, और वो भी साइकिल मैराथन में। और वहाँ पे जाने के बाद हमने देखा सरदार वल्लभ भाई पटेल का घर। तो आइए देखते हैं उनका घर। सात बेड़ी पूरी तो सात ये बेड़ी देखो पाई पूरी एक बेड़ी दोस्तों, पूरी यहाँ ये अंकल जी कह आज रहे बेड़ी हैं पूरी जा कि ये जमाना में हमने बहुत जब बड़ा वहाँ राजनीति जीवन सरदार जी वल्लभ जीवन भाई जीता थे, तब हाँ जब ये वो अपन गुजरे, ये तब अपन उनके ये सिर अपन पर ये भगवान अठारह हजार इस रुपये भगवान का का कर्ज बोलो ना भगवान था। जी से फिर भी क्या है भगवान उन्होंने देखो कहीं से किसी भगवान अगर से कोई राजा है मांगा नहीं, तो और ये जरूर पूरी भारत जन्म ने देश इतना के कुछ लिए किया काम ना किए। मतलब हमें तो तो ऐसे भारत को हमारे एक राजा सरदार दिया वल्लभ आपने भाई देश पटेल थे। एवं तो कहू से और राजा ये जो कह रहे थे जो कि भी हमने लीजा जयपुर और देश राजस्थान में देशना हित माटे नो ये लोग जो अपन राजा थे वो उनके साथ नहीं राजस्थान जुड़ना देश चाहते थे, लेकिन देशना माता पिता फिर भी उन्होंने साहस राजा करके इंदिरा सरदार गांधी वल्लभ भाई ने इंदिरा गांधी और उनके दोसे साथ जुड़े। तो जवाहरलाल नेहरू हमें ये देख सकते हैं कि सरदार ये वल्लभ भाई अंकल जी कितनी अच्छी तरह जो से राजेंद्र समझा रहे प्रसाद हैं। और ये कह मौर्य रहे थे इंदिरा कि गांधी एक राजा इंदिरा राजा उनको गांधी 5 करोड़ रुपए पंच देने दे दिलीप रहे थे, क्योंकि साईं उनके साईं सर पे बहुत मोहनलाल सारा नेहरू कर्ज था, नमो लेकिन ओबीसी फिर मोहनलाल भी हमारे सरदार नेहरू वल्लभ भाई जी हाँ ने नहीं इंदिरा लिया। साहिब एक तो ये उनकी उदारता और महानता का अरे एक बहु प्रतीक अरे बहु दर्शाता है। ये जमाना मो तो अरे हमें इंदिरा उनसे नेहरू जी यही सीख ये लेनी भाई चाहिए कि मुझे एक बोला नेता, सच्चा नेता कैसा आज होना चाहिए। तो जोधपुर है ये नहीं राजस्थान ये ये देखिए इनका राजस्थान घर है और इनका स्मृति भवन है, बहुत अच्छे से ये अंकल जी ने मेंटेन किया है। बीकानेर आप देख सकते ये हैं मस्त राजस्थान वही जैसलमेर है, ये लगा हुआ है सब कुछ, भी राजस्थान कुछ चलो भी उसके अंदर चेंजेस चलते नहीं हैं हुआ है। सुबह जाओ शाम जाओ तो चलिए दोस्तों, वही हम आगे बढ़ते हैं, उनके घर के अंदर चलते हैं। ये अंकल जी हमें उनके हम घर लोग में चलते हैं अंदर दीपावली के ले लिए जाने वाले हैं। वापिस जाने के लिए तो ये उनके घर का अंदर का हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारी तस्वीरें हैं। दोस्तों मैं आपके लिए सारी तस्वीरें नहीं वीडियो रिकॉर्ड कर पाया, लेकिन जो मैं करता हूँ ये मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ। ये देखिए उनकी बहुत सारी तरह तरह की तस्वीरें आपको यहाँ दिख जाएंगी। यहाँ आप ये सारी तस्वीरें आप उनको इंटरनेट पर भी मिल सकती है, लेकिन उनके जो घर में जो ये तस्वीर दिखने का जो माहौल है, जो मजा है, वो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। या यहाँ आपको तरह तरह की तस्वीरें उनकी मिलेगी, जहाँ उनकी पार्लियामेंट की फोटो है, उनके भाषण देते वक्त की फोटो है। आप वीडियो को पॉज करके सारी फोटोज देख सकते हैं, अच्छी सारी फोटोज अच्छी है। तो यहाँ पे उनके ये देखिए पार्लियामेंट की उनकी फोटोज है। आपको पता भी नहीं होगा कि उनको माउंटबेटन जी भी बहुत अच्छा बोलते थे। ये उनके बंटवारे की फोटो है। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो बहुत अच्छे इंसान थे, और आप यहाँ उनकी तस्वीरें के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वो कितने अच्छे इंसान थे। ये उनकी गांधी जी के साथ पिक्चर आप देख सकते हैं। फिर ये जब ये भाषण दे रहे थे तब उनकी ये पिक्चर है। मतलब आप जब वहाँ उनके घर करमसद में जाएंगे, ये मैं उसकी लोकेशन आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, आप देख सकते हैं। ये जब ये करमसद, इनका घर करमसद में है, और जैसा है वैसा ही रखा गया है, सिर्फ ये जो पिक्चर्स उनकी फ्रेम करके यहाँ रखी गई है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर उनकी तस्वीरें हैं। आपको एक टाइम पे ये लगेगा कि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन का एक हिस्सा है, आपको एक टाइम पे यही लगेगा। देखिए तो बस चलिए और आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी तस्वीरें हैं, और यहाँ पर हम जो है ये उनका निवास स्थान है। मतलब यहाँ पर ये जो है उनकी लिविंग रूम है, और ये उनके बहुत सारे तरह तरह के फोटो है। आप वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से देख सकते हैं। मैं शायद आपके आपको हर एक पिक्चर की डिस्क्रिप्शन ना दे पाऊँ, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना, लेकिन ये जो पिक्चर्स है उनकी ये बहुत प्रेरणादायक है, और आपको बहुत मजा आएगा देख के। आप बस वीडियो को पॉज करके हर एक पिक्चर पर एक लुक लाइए। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बड़े बड़े आदमियों से मुलाकात होती है। और ये जो हम पिक्चर जब हम जो देख रहे हैं, तो वो हमें
कंट्री को यूनाइट करे, तब की पीछे से कि कौन से राजा के साथ वो मिले और कौन से हरि राजा हरि सिंह और जो भी थे उनके साथ मिले और सबको यूनाइट किया, एक देश एकजुट किया हम सबको, हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों, ये उनका किचन है, यहाँ पर उनकी मम्मी, ये लायंस क्लब वालों ने यहाँ पे नाश्ता ऑर्गेनाइज किया था, देख सकते हैं काफी अच्छे से सब एकदम ऑर्गेनाइज गुड कर तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में।